हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू एसवी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं बीकानेर जा रहा हूँ ये सोनी 43W800D टीवी के बारे में। इसका आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये उसका मदरबोर्ड, ये पड़ा है मेरे पास, एक उसका एक टीवी और सेम टू सेम दूसरा टीवी, क्योंकि किसी ने मेरे को मदरबोर्ड भेजने तो मेरे को चेक करने के लिए टीवी मेरे पास रहना ज़रूरी है। एक कस्टमर का फॉल्ट ये होता है, सोनी आएगा और बाद में सोनी आके रिस्टार्ट होता है, वो प्रॉब्लम के लिए मेरे को सिर्फ ये बोर्ड दिया, उसके लिए मैंने मेरा टीवी उतारा है। अभी ये टीवी में वो मदरबोर्ड लगा के ये बोर्ड को रेडी करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इधर एक शील्ड था वो निकाल दिया, क्योंकि कस्टमर ने वो शील्ड के साथ मेरे को मदरबोर्ड दिया था सेफ्टी के लिए, उस पर एक स्क्रू लगा रहा। इस पर अभी एक एक करके कनेक्शंस कर देंगे। ये मेरा मदरबोर्ड टेस्टर आ गया, इस पर LVDS कनेक्ट हो रहा है और इसका अडाप्टर भी आ गया। अभी टीवी तो चालू कर दिया, टीवी ऑन होने के बाद देखे सेम प्रॉब्लम, कस्टमर के घर में क्या प्रॉब्लम था वही सेम प्रॉब्लम, सोनी आएगा जाएगा, सोनी आएगा और जाएगा। तो इसके लिए मैं बोर्ड के ऊपर एक साइन कर लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड मिस ना हो। तो देखिए इस तरीके से एक मार्क कर दिया और मेरा साइन भी डाल दिया। इसको रिपेयर करने के लिए मैंने पहले MMC IC के ऊपर फ्लक्स लगा रहा है। ऐसे तो आप देख सकते हैं रिमूव हो गया। ऐसे रिमूव होने के बाद इसको प्रोग्रामिंग करके मैं दोबारा ऐसे बैठा रहा। ऐसे तो बैठा दिया और टीवी भी चालू कर दिया। अभी आप देख सकते हैं बूट लोडर ऑन हो गया। ये बूट लोडर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो ज़्यादा लोड हो गया, क्यों हो गया पता नहीं मेरे को, आज तक ऐसे कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये टीवी में थोड़ा अराउंड 3 से 4 मिनट तक ये बूट लोडर कंटिन्यूसली रन होता था, वो क्यों ऐसे हुआ पता नहीं। फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद इसका आप अभी देख सकते हैं बूट लोडर से बाहर आ गया। बूट लोडर से बाहर आने के बाद इसका होम स्क्रीन भी आ गया। ये बोर्ड तो अभी ओके हो चुका है, बोर्ड तो ऑन हो गया। इस पर मेरा एप्पल टीवी कनेक्ट करके पूरा चेक कर रहा हूँ। HDMI में कनेक्ट कर दिया हूँ, एप्पल टीवी का लोगो भी आ गया, होम स्क्रीन भी आ गया। इस पर वॉल्यूम चेक करने के लिए स्पीकर्स का कनेक्टर भी डाल दिया। इस मॉडल में सेम टू सेम मदरबोर्ड्स आपको और एक वीडियो भी देता हूँ, उस पर आपको पूरा कितना मॉडल्स आते हैं, किस तरीके से मदरबोर्ड में चेंजेस रहते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स देता हूँ। इस पर सिर्फ रिस्टार्ट के लिए
और लोगो हैंग के लिए ये वीडियो बनाया। दोनों प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है, दोनों प्रॉब्लम रेडी हो जाएगा। पिक्चर में देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके चल रहा है। और अभी इंटरनेट कनेक्ट करके यूट्यूब भी चला के दिखाता हूँ। इंटरनेट पूरा कनेक्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब भी चालू कर दिया। यूट्यूब में कुछ वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। आप अभी देख सकते हैं YouTube में भी पिक्चर सही से आ रहे हैं, YouTube में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे नया नया वीडियो इस चैनल में लेके आता रहेगा और टेक्निकल का बारे में भी इस पे वीडियोस अपलोड करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।